थी जो दो पिछले सेशन में शून्यकाल जिसने प्रश्नकाल खत्म किया था, याद होगा आपको। जब हमने कहा था प्रश्नकाल क्यों खत्म किया है, ऐसा तो होता रहता है, आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? तो जिद किस चीज की, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप भी चाह रहे हैं चर्चा हो, शहजाद भी चाह रहे हैं चर्चा हो, मैं समझना चाह रहा हूँ। दो ग्राफ लेकर बैठा हूं मैं, एक मिनट सर, एक मिनट मैं आऊंगा आलोक भाई मैं आऊंगा क्लियर कर दीजिए। आलोक जी इसी पर आप बोलिए ना, मेरी बात छोटी सी सुन लीजिए। आलोक जी एक मिनट रुकिए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ किसके मन में चोर है, कौन है, मतलब किसके मन में चोर है? बीजेपी कह रही है हम तैयार, आप कह रहे हैं आप तैयार, देश जानना चाह रहा है कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है भाई। मुझे लगता है ये भी देश इतना मूर्ख नहीं है, देश चिंतन और मनन के साथ सब सोचता है। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही भक्त जानना चाह रहे हैं। सरकार आपकी, महंगाई आप बढ़ाएं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा देकर आप आए और चर्चा से विपक्ष भागेगा, मतलब इसको कोई डाइजेस्ट करेगा क्या इस बात को? तो शून्यकाल में हो सकती थी चर्चा। इतना मूर्खों का देश समझ लिया क्या बीजेपी ने? अरे भाई चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं? तीन तीन पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं भैया? आप बताइए कि हम इस समय पर चर्चा करवाएंगे, और चर्चा इस समय पर ही क्यों होगी भाई? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, किसी भी समय पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? इस समय नहीं तो इस समय पर भाग, इस समय पर चर्चा होगी क्यों होगी भाई? नहीं, जैसे अब 8 बजे का शो है, आप लोग डिबेट के लिए आए, आप लोग कहें कि नहीं ये हमको दोपहर को 3 बजे डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं, जो टाइम होगा ना, एक मिनट शहजादा आप बोल लीजिए, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आलोक जी, मैं क्लैरिटी चाह रहा था असल में। हाँ। आपने अपना टाइम पर बोला, आपने 2.5-3 मिनट बोला है, एक एक शहजाद आप बोलिए, शहजाद फिर मैं तौसीफ और हर्षवर्धन जी। देखिए आलोक जी भी हमारे बड़े भाई है, 30 सेकंड केवल लूंगा फिर वो फिर से मंच ले। देखिए उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात रखी, वो उसका परिपेक्ष ये था कि तब सरकार किसी भी रूप में चर्चा को तैयार नहीं थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, परंतु मनमोहन सिंह जी के बयान को क्यों नहीं मानते? मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कहा था कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है हाउस चलाने की, तो आज उसी पर वो अमल कर ले। दूसरी बात, मैं 2 चैलेंज देता हूं हमारे भाई को, आलोक जी एक मुझे अपने तीनों चीफ मिनिस्टर का एक मुझे बयान दिखा दे, एक लेटर दिखा दे जो उन्होंने अपोज किया हो जीएसटी काउंसिल का यह फैसला। और तीसरा ये बता रहे महंगाई के बारे में ना, एक बात सुनी जरा, राइस 2004 से 2014 के बीच 150% बढ़ा, आज 37% बढ़ा है, वीट 176% बढ़ा, आज 36% बढ़ा है, आटा 170% बढ़ाया, यू गेट माई पॉइंट, उड़द दाल 333% बढ़ा, शुगर 480% बढ़ा, अमन जी यू गेट माई पॉइंट, इनके समय पर 500% बढ़ रहा था, 10% का CPI इन्फ्लेशन था, यू गेट माई पॉइंट, और ये आज आकर बता रहे हैं हमें कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू करना है जब दो वैश्विक क्राइसिस